टुडे वी लर्न डियर स्टूडेंट्स स्टोरी स्टोरीज नेम इज शो ऑफ ग्रेटिट्यूड। शो ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता दर्शाओ। ग्रेटिट्यूड क्या होता है अभी? कृतज्ञता। शो क्या होता है अभी? दिखाना। अब क्या अभी एक संत हैं, सेज हैं, कुछ मंकीज हैं, कुछ अलग एनिमल्स हैं, वो यहां पर क्या अभी बैठे हुए हैं। लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत पहले, भूतकाल की बात है। एगो क्या होता है अभी? ये पास्ट वर्ड है, बहुत लंबे समय पहले। ये सेज, सेज का मतलब होता है संत, ऋषि, महात्मा। लिव्ड रहता था इन ए जंगल, एक जंगल में। इन द फुट हिल्स, फुट हिल्स होते हैं जो पहाड़ होते हैं, उसका पहाड़ों का निचला जो भाग होता है उसे बोलते हैं फुट हिल्स। इसे हम हिंदी में तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं अभी? तराई क्षेत्र। ऑफ द हिमालयाज, अब ये कोई पर्वतमाला का नाम हो उससे पहले द आर्टिकल आता है, याद रखना। हिमालय की जो तराई क्षेत्र था, तलहटी थी, पाद थे, निचला हिस्सा होता है, वहां पर एक ऋषि महात्मा रहते थे। द जंगल वॉज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड होता है निवासित था, इस इनहेबिट होता है वैसे निवास करना। बाई के द्वारा मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, जंगल में यहाँ पर इनहेबिट का मतलब है रहते थे, बहुत से जानवर और पक्षी जंगल में रहते थे या निवास करते थे। द सेज, जो ऋषि संत था, महात्मा था, वह हैड बिल्ट उसने बना रखा था एन आश्रम, एक आश्रम देर वहां पर। अब यहाँ पर आश्रम है एक नाउन है, उससे पहले एन आर्टिकल आया, क्योंकि जो आश्रम का जो पहला लेटर है वो एक स्वर की ध्वनि दे रहा है। द एरिया, वह क्षेत्र, वाज क्वाइट काम। काम क्या होता है अभी? निःशब्द, एक भी शब्द ना सुनाओ, वहां पर बिल्कुल शांत था एंड पीसफुल, और शांति प्रिय भी था। द सेज, अब क्या अभी? एक नाउन है उसका दोबारा वर्णन करते हैं, तो वहां पर द आर्टिकल आता है। द सेज प्रेड, प्रेड होता है प्रार्थना करना, एक प्रे होता है पी आर ई वाई प्रे, यहां पर ए है यहां पर ई है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, इसका मतलब होता है शिकार करना। क्या करना अभी? शिकार। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना आप। जो महात्मा था वो शिकार कर प्रार्थना करता था, नहीं कि शिकार करता था, एंड मेडिटेटेड, और ध्यान करता था वहां पर। मेडिटेशन क्या होता है अभी? ध्यान करना। एंड परफॉर्म्ड पिनेंस देर, और यहाँ पर जो पेनेंस है उसका मतलब है तपस्या। क्या होता है अभी? तपस्या। वहां पर क्या करता था वो भी? तपस्या करता था, पेनेंस। वहां जो संत था वह वहां पर प्रार्थना करता था, ध्यान करता था और तपस्या करता था। देखो किस प्रकार ये संत है, वो एक पत्थर की चट्टान पर बैठा हुआ प्रार्थना, मेडिटेशन और जो पेनेंस है, तपस्या कर रहा है। वो जानवर भी क्या है उसके आसपास है, विराजमान है। इन वन ईयर, एक साल, द समर गर्मी वॉज अनयूजुअली, अनयूजुअली होता है असामान्य, हॉट, गर्म थी। एक साल गर्मी थी वो असामान्य गर्म थी। द स्कोर्चिंग सन, स्कोर्चिंग क्या होता है अभी? चुभना होता है वैसे, स्कोर्च, चुभती हुई धूप या चुभता हुआ सूर्य। मेड लाइफ डिफिकल्ट, जीवन को कठिन बना दिया था, मतलब तेज धूप ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया था, मतलब लोगों के नहीं, द बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पक्षियों के जीवन को चुभती हुई धूप ने कठिन बना दिया था, कठोर बना दिया था। सो इसलिए मैनी बर्ड्स, बहुत से पक्षी, माइग्रेटेड होता है प्रवास कर जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना, माइग्रेशन कहलाता है। एक वन वर्ड भी याद कर लेना। टू अदर प्लेसेज, दूसरे स्थानों पर चले गए। दाइनी कौन चले गए अभी? पक्षी चले गए। द एनिमल्स हैड नो प्लेस टू गो, जानवरों के पास
जाने को कोई स्थान नहीं था, जानवरों के पास है जाने के लिए कोई स्थान नहीं था। लाइफ वॉज डिफिकल्ट, जीवन बहुत कठिन था फॉर देम, उनके लिए। एज यहाँ पर है क्योंकि, बिकॉज के लिए आया हुआ है, क्योंकि देयर वॉज नो ड्रिंकिंग वाटर, वहां पर पीने का पानी नहीं था। जीवन कठिन क्यों था भी, क्योंकि वहां पर पीने का पानी नहीं था। एज का मतलब यहाँ पर है बिकॉज, क्या है भी, बिकॉज क्योंकि। सीइंग देयर प्लाइट, प्लाइट होता है दुख, क्या होता है भी, दुख, उनका दुख। देयर क्या है भी, एनिमल्स, किसके लिए है भी, जानवरों के, एनिमल्स के लिए। जानवरों का दुख देखकर द सेज हर्ट, ऋषि था उसका हृदय वॉज मोड, हिल गया विद पिटी, दया से, मतलब उनका दुख देखकर, प्लाइट देखकर या कष्ट देखकर, जो संत ऋषि था उसका हृदय दया से भर गया। देखो भी किस प्रकार ये सेज है, वो इनके बारे में चिंतन कर रहा है। द सेज ऋषि ने वेंट टू, ऋषि वेंट टू गया, ए नियर बाई टाउन, एक नजदीकी कस्बे में, टू फेच, लाने के लिए, सम वाटर, कुछ पानी, फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए। ही ब्रोट, ब्रिंग होता है लाना, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, यहां पर फेच भी क्या है भी, लाना। वाटर इन पोर्ट्स, बर्तनों, पोर्ट्स यानी बर्तनों में पानी लेके आया, एंड केप्ट, रख दिया, द पोर्ट्स, बर्तनों को, नियर द एनिमल्स, जानवरों के पास, नियर क्या था भी, पास, दे ड्रैंक, उन्होंने पिया द वॉटर, पानी, एंड दे ड्रैंक द वॉटर, उन्होंने पानी पिया, एंड फेल्ट हैप्पी, और खुशी महसूस की। द सेज ऋषि संत स्पेंट, बिताता था, स्पेंड की सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, स्पेंड क्या होता है भी, बिताना, खर्च करना, ऑल इज टाइम, अपना समय, ब्रिंगिंग लाने में, वॉटर पानी, फॉर द एनिमल्स, सत था वो अपना सारा समय जानवरों के लिए पानी लाने में बिताता था। ही नेवर, वह कभी भी, स्पेयर्ड इवन ए मोमेंट, टू हैव फूड फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए भोजन खाने के लिए वह एक क्षण भी नहीं देता था। ये मोमेंट क्या होता है भी, क्षण, एक होता है मूवमेंट, एक मूवमेंट है, एक होता है MOVEMENT, ये मूवमेंट, इसका मतलब होता है गति, हलचल, ये मूवमेंट है क्षण, पल। ही वॉज सो इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड होता है लीन हो जाना, तलीन हो जाना, इन इज वर्क, वह अपने कार्य में इतना तलीन हो गया, लीन हो गया, दैट की ही टोटली, टोटली होता है बिल्कुल ही, फॉरगेट हिज अवर नीड्स, यहाँ पर नीड्स है वो नाउन है, यहाँ पर नीड्स का मतलब है आवश्यकता, अवन होते अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल ही भूल गया वो। एज जैसे ही डेज पास्ट, दिन बीतते गए, पास होता है गुजरना, गुजरते गए, द सेज संत ग्रू, अब ग्रो क्या होता है अभी, बढ़ना, यहाँ पर ग्रू वीकर, और कमजोर होता गया, वीकर क्या होता है भी, कमजोर। अब देखो भी किस प्रकार ये स्कोर्चिंग सन दिखाया गया है। अब स्कोर्चिंग क्या है भी, स्कोर्चिंग सन का मतलब होता है बहुत तेज तपता हुआ सूर्य, ये नाउन होती है स्कोर्चिंग, ये पानी लेके आ रहा है पोट्स, बर्तनों में, और जानवरों को पिला रहा है। अब देखो भी द एनिमल्स, जानवरों, जानवरों अंडर, जानवरों ने अंडरस्टूड, समझे, हिज ईगरनेस, उसकी उत्सुकता, टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने की, जो उनकी, उसकी उत्सुकता थी, उसको जानवरों ने समझा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होता है, बट परंतु दे न्यू, उन्होंने जाना, नाउ की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, दैट की,
इफ यदि ही डिडंट ईट एनीथिंग, ही आया साधु के लिए, उसने यदि उसने कुछ नहीं खाया, ही वुड फॉल इल सून, वह जल्द ही बीमार पड़ जाएगा। सून क्या होता है अभी, शीघ्र ही बीमार पड़ जाएगा। इल क्या होता है अभी, बीमार। दे ऑल्सो न्यू, उन्होंने ये भी जाना, दैट कि ही वुड नॉट ईट एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं खाएगा। एनीथिंग होता है कुछ भी, अनलेस ये शर्त दी गई है, यदि दे फोर्स्ड, उन्होंने दबाव नहीं डाला हिम उस पर टू ईट, यदि उन्होंने खाने का उस पर दबाव नहीं डाला तो वह कुछ नहीं खाएगा। यहाँ पर अनलेस आता है तो इस वाक्य में नोट नहीं आएगा, परंतु ये वाक्य नेगेटिव रहेगा। अनलेस यदि दे फोर्स्ड हिम टू ईट, उन्होंने उस पर दबाव नहीं डाला, यहाँ पर नहीं का अर्थ आएगा, परंतु यहाँ पर नोट नहीं है क्योंकि इसके अंदर नोट छिपा हुआ है। वन एनिमल, एक जानवर ने कहा, सेज इज स्पेंडिंग, सेज है वो बिता रहा है समय, खर्च कर रहा है ऑल इज टाइम, अपना सारा समय, ब्रिंगिंग वाटर फॉर अस, हमारे लिए पानी लाने में सारा समय व्यतीत कर रहा है। ही इज नॉट टेकिंग एनी फूड, वह कोई भी भोजन नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी भोजन नहीं ले रहा है। वी आर नाउ लिविंग, अब हम रह रहे हैं, कंफर्टेबली होता है आरामदायक तरीके से, बिकॉज ऑफ के कारण, यहाँ पर बिकॉज का क्योंकि नहीं है, अब सिंगल बिकॉज आता तो क्योंकि होता, अब ये फ्रेज आ गई, बिकॉज ऑफ के कारण, हिज काइंडनेस उसकी दयालुता, यहाँ पर दयालुता या कृपा, उसकी कृपा से के कारण हम आराम से रह रहे हैं। वी शुड, हमें चाहिए, रीपे होता है भुगतान करना या अदा करना, दिस काइंडनेस कि उस इस कृपा को हमें भुगतान करना चाहिए, वापिस लौटानी चाहिए, एंड शो और दर्शाना चाहिए आवर ग्रेटिट्यूड टू हिम, उसके प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो दर्शानी चाहिए। किसके प्रति भी, संत के प्रति। ये एनिमल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अभी फ्रूट लेके आए हैं, देखो महात्मा जी के हाथ में फ्रूट दिए हुए हैं। यस सैड अनदर एनिमल, दूसरे जानवर ने कहा, हाँ फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम नाउ ऑन होता है अब से, वेन वी, वेन जब वी कम हेयर, हम यहाँ आएंगे टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, वी मस्ट ब्रिंग सम फ्रूट्स, हम कुछ फ्रूट्स लेकर आना चाहिए, रूट्स जड़ लेकर आने चाहिए, फूलों के पौधों की, एंड अदर फूड, दूसरा भोजन फॉर द सेज। अब इन्होंने कहा कि जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो संत के लिए फ्रूट्स, रूट्स, फल, जड़ों और दूसरा भोजन लेके आएंगे। फ्रॉम देन, तब से, ऑनवर्ड्स, उसके पश्चात, तब से, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, ब्रिंग ब्रोट 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 हिम फ्रूट्स एंड अदर फूड, दूसरा भोजन और फल उसके लिए लेके आते थे। द सेज एट, ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, संत ने खाया सम ऑफ द फ्रूट्स, कुछ फलों को संत ने खाया, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वितरण करना, बच्चों को मिठाई बांटे या बहुत से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, अगर दो आदमियों के बीच में बांटते हैं तो आता है बिटवीन, अब बहुत से लोग हैं उनके बीच में बांटेंगे तो आएगा अमंग, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यू डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब है बच्चे हुए फल, फलों के लिए रेस्ट आया है, ये नाउन है, यहाँ पर क्या अभी नाउन है, बच्चे हुए फल बांट देता था, वितरित कर देता था अमंग द पुअर पीपल, गरीब लोगों के मध्य में, यहाँ पर भी गरीब लोगों के मध्य में, द पुअर गरीब, इन रिटर्न, बदले, इन रिटर्न होता है के बदले में, हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता करते थे, इन ऑल इज एफर्ट्स, एफर्ट्स होते हैं प्रयास, उसके प्रयासों में, टू ब्रिंग वाटर, पानी लाने में, फॉर द एनिमल्स, जानवरों, फॉर का मतलब है के लिए, जानवरों के लिए पानी लाने में उसके प्रयासों की उसकी सहायता करते थे, कौन भी, पुअर मतलब यहाँ पर जो सारे गरीब लोग हैं उनके लिए आया, ये एडजेक्टिव होता है
सभी के लिए आने पर इससे पहले क्या अभी दार टिकल आता है और ये क्या अभी प्लुरल होता है। अब यहां पर दा पुअर के आगे क्या आएगा अभी आर आएगा, जैसे याद इज नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव से पहले दा लग जाता है और वो पूरी जाति को व्यक्त करता हो तो यहां पर प्लुरल क्रिया आती है। देखो भी इस प्रकार ये फल वितरित कर रहा है और जो गांव वाले हैं वो क्या कर रहे हैं अभी सहायता कर रहे हैं। इन दिस वे इस तरीके से द पीपल एंड द एनिमल्स जानवरों ने और लोगों ने शाउट दिखाया देयर ग्रेटिट्यूड अपना कृतज्ञता टू द काइंड सेज दयालु ऋषि के प्रति। तो किस प्रकार देखो ये पानी लेके उसकी जानवरों की हेल्प कर रहे हैं। अब कुछ पेपर है कुछ प्रश्न है उसको हल करते हैं। इसमें तो ए एन डी का प्रयोग करना है आपको ब्रेक में। देयर वाज ए जंगल ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। देखो भी कोई पर्वतमाला उससे पहले द आर्टिकल आता ही है। अब ये जंगल था। ही वेंट ए टाउन के कस्बे में गया पानी लाने के लिए। ए सेज बिल्ट एन आश्रम आएगा, क्या बनाया उसने आश्रम बनाया। ईच एनिमल शुड ब्रिंग आइदर सम फ्रूट्स कुछ फल लेके आता था या सम रूट कुछ जड़े। अब यहां दोबारा द सेज यहां क्या आएगा भी द सेज सा द सफरिंग ऑफ द एनिमल्स। अब इसमें अपोजिट वर्ड लिखने होट का अपोजिट क्या होता है अभी कोल्ड कूल नहीं हो सकता कूल का होता है वॉर्म। क्या होता है अभी वॉर्म होट का होगा कोल्ड काइंड का होगा क्रूल CRUEL क्रूल निर्दयी काइंड होता है दयालु। इसका अनकाइंड भी लिख सकते हो आप अन काइंड। फॉरगेट होता है भूलना इसका लिखोगे आप रिमेम्बर। रिमेम्बर क्या होता है अभी याद करना। वीक होता है कमजोर वीक का आएगा स्ट्रोंग क्या आएगा अभी स्ट्रोंग। ग्रेटफुल होता है कोई किसी के प्रति ग्रेटफुल हो वफादार हो कृतज्ञ हो ये इसका आएगा अनग्रेटफुल। अन है ग्रेट यहां लिख देता हूं अन है ग्रेटफुल।